नमस्कार, श्री नारद मीडिया .com के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज बाबा साहब अम्बेडकर की 127वीं जयंती है। पूरा देश उनके जन्म दिवस पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। आज हमारे स्टूडियो में स्थानीय जेडे इस्लामिया कॉलेज के हिंदी विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर अशोक प्रेमवत हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बाबा साहब अंबेडकर के जीवन पर कुछ प्रकाश डालेंगे, साथ ही वर्तमान में उनके नाम को लेके, उनकी बातों को लेके जो एक समाज उद्वेलित हो गया है, जो एक समाज आंदोलन की मूड में आ गया है, जो एक समाज दूसरे पर दोहमत लगा रहा है, इससे देश में अराजकता का जो माहौल पैदा हो रहा है, उस पर हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। तो आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आपका स्वागत है। पहले आप ये बताइए कि वर्तमान समय में अंबेडकर साहब की क्या प्रासंगिकता है? देखिए, कोई भी महापुरुष समकालीन परिस्थितियों और युगों में है सर्वाधिक प्रासंगिक होता है, काल सापेक्ष होता है। जब परिस्थितियां बदलती हैं तो उसके सोच विचार में बदलाव होते हैं। जिन परिस्थितियों में अंबेडकर जैसे महापुरुष का उद्भव हुआ, वो ऐसी विसंगतिपूर्ण सामाजिक जीवन की उपज थे। वे समाज में जो द्वेष, विषमता, छुआछूत, भेदभाव जैसी अनेक विसंगतियों का दंश उन्होंने अपने जीवन में झेला था, और वे अकेले व्यक्ति नहीं थे। इन बुराइयों और कुरीतियों के कारण करोड़ों लोग इस पीड़ा से, इस यातना से जूझ रहे थे। उस पीड़ा को उन्होंने अभिव्यक्ति दी और उसे एक सभ्य, सामाजिक और विकासपूर्ण वातावरण में विधि सम्मत ढंग से लाने का प्रयत्न उन्होंने किया संविधान के माध्यम से। पुनः पैक्ट आपको याद होगा कि गांधी जी और उनके बीच जो अंतर विरोध पैदा हुआ, वह किस कारण हुआ? दलितों को जो अधिकार मिलने चाहिए, एक सभ्य जीवन जीने का वैसा ही अवसर उनको भी प्राप्त होना चाहिए जो बाकी किसी को था। और इस लड़ाई को उन्होंने तब शुरू किया था, गांधी जी इसके लिए तैयार नहीं थे। पुना पैक्ट के नाम से यह एक ऐतिहासिक संधि गांधी और अंबेडकर के बीच हुई, और उसी संधि को आगे बढ़ाते हुए जब हमारा देश आज़ाद होता है, संविधान का निर्माण होता है, तो उस निर्माण में उस संधि के अनुरूप वो सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं। समाज के सभी अंगों पांगों को विकसित होने का, सशक्त होने का, एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने का, शिक्षा ग्रहण करने का, वो सब अवसर प्राप्त होना चाहिए। यही है समानता का अधिकार, कोई भेदभाव न हो, और यह उन्होंने किया। और उसके अनुरूप एक नए समाज की रचना की ओर देश आगे बढ़ा। पिछले 70 साल की यात्रा में सामाजिक परिवेश में बदलाव हुए हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन अपेक्षित बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव की गति बहुत धीमी है, क्योंकि यह मनुष्य की समस्त संचित अवधारणाओं में बदलाव की मांग करता है, न कि भौतिक समृद्धि की। जब तक हमारी अवधारणाएं नहीं बदलेगी, हमारी सोच और मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक भौतिक समृद्धि चाहे जितनी भी हम हासिल कर लें, यह स्वीकार्यता व्यापक समाज में
नहीं प्राप्त, महिलाओं के प्रति भेदभाव आज तक कायम है, दलितों के प्रति भेदभाव आज भी कायम है निचले स्तर पर बहुत हद तक। सारी शक्तियां लगी, सारा वातावरण का निर्माण हुआ, शिक्षा बढ़ी, दुनिया के तमाम विचारधाराओं का समावेश हुआ, लेकिन बदलाव की धीमी गति है। जब तक उस दिन की प्रतीक्षा करें, हमें और आगे करनी होगी, और संघर्ष करना होगा, तब हम उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे जिसका सपना अम्बेडकर ने देखा था। ठीक है डॉक्टर साहब, अब हम सीधे सीधे वर्तमान प्रश्न की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे। अभी जो आरक्षण को लेके, अभी जो सुप्रीम कोर्ट के SC ST एक्ट को लेके जो पूरे देश में एक तरह का अराजकता का माहौल फैला, दो दो बार भारत बंद कराया गया, इसमें दलित और अंबेडकर के विचारों की भूमिका आप कहां तक पाते हैं? कभी कभी मुझे ऐसे आंदोलनों से लगता है कि अगर चुनाव नजदीक नहीं होता तो शायद ऐसे आंदोलन न होते। चुनाव को नजदीक देखकर जितनी सियासी गंदगी है सब जैसे बॉयल हो गई हो एक साथ, किसी भी हद तक जाकर समाज को उद्वेलित करना, तरह तरह से मोटिवेट करना, और जो समाज का अशिक्षित वर्ग है जिसमें चेतना का अभाव है, समझ का अभाव है, और अपने ही समुदाय के जिन लोगों को वह नेता मानता है या उसके लिए थोड़ी सहानुभूति पूर्वक बातें करते हुए किसी को अगर देखता है तो सहज और स्वाभाविक रूप से वह उसके पीछे हो लेता है। कई सियासी दल इसमें जुटे हैं, लगे हैं, तो एक भ्रांत अवधारणा पैदा की गई है और उसी का ये उबाल है, सदियों की, सहस्त्रों वर्षों की कुंठा और विषाद की एक विस्फोटक अभिव्यक्ति है। यह विषाद किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, किसी पार्टी और दल विशेष से नहीं है, बल्कि उनका अगर आक्रोश है तो पूरे सिस्टम से है। उस सिस्टम के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, पूरी हमारी पॉलिटिकल सिस्टम जिम्मेदार है। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनकी यह समझ जिस रूप में व्यक्त हो रही है वह किसी भी बदलाव की ओर हमें प्रेरित करने वाली नहीं है, वह एक टकराव की ओर प्रेरित करने वाली है, और यह एक नकारात्मक सोच है। जब तक समाज नकारात्मक सोच से ग्रसित रहेगा, क्रिया और प्रतिक्रिया, द्वंद्व और टकराव में उलझा रहेगा, तब तक किसी विकास की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। एक सामंजस्य, एक समन्वय, एक सहकार का वातावरण आवश्यक है विकास के लिए, और ये सियासी पार्टियां ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि उनका हित इसमें नहीं है। जब सभी समाज एक संढंग से सोचने लगेंगे तो ये फिर टकराव की परिस्थितियां नहीं बनेंगी। जो भी जुल्म और अत्याचार की कहानियां कही जाती हैं, आज का समाज कोई भी उसे जस्टिफाई नहीं करता है, इस अपराध को इसे अपराध मानता है, इसे गलत मानता है, ये बुराई मानता है, और इसे अस्वीकार्य मानता है। एक भी व्यक्ति शायद ऐसा नहीं होगा जो इस चीज को जस्टिफाई करे। तो इतिहास की बहुत सारी गलतियों को आज अगर हम लेकर खड़े होते हैं सड़क पर और प्रतिशोध या प्रतिक्रिया या बदला के स्वरों में हम चिघाड़ते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा समाज पर, सहज रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन सियासत तो सियासत है, देश के विकास या विनाश से उसको कोई लेना देना नहीं है। ये वही करेंगे जिसे समाज टूटे, बिखरे, एकजुट न हो, जातियों में बटे, जातियों के बाद उपजातियों में बटे, और भी अगर अंतर विभाजन हो सकते हैं तो इतने सारे अंतर विभाजन करें, ताकि करना तो कुछ नहीं है,
सोच तो कुछ नहीं है, भविष्य की कोई योजना नहीं है कि हमें देश को ऐसे बनाना है, समाज को ऐसे बनाना है, हमें ये एक जो मानवीय जीवन का सूचकांक है जो इवन निर्धारित करता है समय समय पर, उसमें हम कितना नीचे हैं। व्यापक दृष्टिकोण से देखने पर ऐसा लगता है कि हमें यदि कमियां उसमें साफ साफ दिखाई दे रही हैं, लेकिन वह इशू नहीं बनेगा, उसमें कोई आगे नहीं आएगा, जबकि इस हर व्यक्ति की भूमिका है जिसका समाज पर प्रभाव है, वह एक बदलाव की ओर समाज को प्रेरित कर सकता है, लेकिन ऐसा करने की आदत हमारी राजनीतिक पार्टियों में नहीं है, दुर्भाग्य है, और इसका खामियाजा देश भुगत रहा है, आगे भी कई रूपों में विस्फोटक रूपों में कठिन और विकट परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, चिंता की बात यह है। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि इस 70 साल के भारत में हम जिसे दलित कहते हैं, दलित समाज कहते हैं, चाहे वो किसी की सरकार रही हो, हमने इतना काम क्यों नहीं किया उनके लिए कि उन्हें आज भी लगता है कि इस 70 साल में अगर कोई समाज ठगा गया है, ठहरा हुआ है, तो वो हम हैं। और अंबेडकर के बहाने वो लोग अपनी कुंठा, अपना संतरास, अपना अवसाद सड़कों पर प्रदर्शित करने के लिए मजबूर होते हैं। उनके अंदर बहुत गुबार है, उनके अंदर बड़ी उबाल है कि आरक्षण के नाम पे, छुआछूत के नाम पे, भेदभाव के नाम पे, लिंग आधारित समाज के नाम पे हमें आज भी वहीं रखा जा रहा है जहां हम आजादी के पहले थे। हमारे में कोई बदलाव नहीं आ रही है। इसका हल अंबेडकर जयंती के अवसर पर आप कहां तक देखते हैं? देखिए, जो हैबिट शुरुआती दौर से बन गई है, जैसे एक जगजीवन राम दलितों के 3 दशकों तक सर्वमान्य नेता रहे, तो कांग्रेस ने एक जगजीवन राम को स्थापित कर दिया और पूरा दलित समाज आशा भरी नज़रों से उनको देखने लगा और उनके विकास में ही अपनी संतुष्टि मान बैठा। तो व्यक्ति को आगे करके राजनीतिक दल पूरे समुदाय से अपेक्षा करते हैं कि देखो, तुम्हारे समाज के एक व्यक्ति को हमने इतना ऊंचा बना दिया, जबकि होना ये चाहिए था कि समाज के निचले तबके के लिए जो अपॉर्चुनिटी और अवसर उपलब्ध होने थे उसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि ऐसी नियत नहीं रही, ऐसी सोच नहीं रही। सामाजिक जीवन में जो कुंठा आज से 50 साल पहले थे, 100 साल पहले थे, आज भी वह कुंठा ज़्यादा विस्फोटक होकर हमारे सामने आ रही है। कारण उसका यह है कि विकास के अवसर, जो रिसोर्स चाहिए, जो हमें संसाधन चाहिए, जो शिक्षा चाहिए, अब व्यापार देखिए, रोजगार के अवसर देखिए, तो ये सब में लोगों को लग रहा है कि हम हाशिए पर हैं, दलित समुदाय हाशिए पर है, और समझने के लिए, समझाने के लिए अनेक तरह से इसकी व्याख्याएं राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन मेरी सोच ये है कोई भी समुदाय जो उनकी वास्तविक चिंता करता है, उनके विकास का सपना देखता है, उसे चाहिए कि उनमें उन गुणों का समावेश कराए जिसको हासिल करके वे खुद को स्थापित कर सके। वह बौद्धिक क्षमता, वह शैक्षणिक क्षमता, वह ऊर्जा, वह जोश सामान्य तौर पर जो एक युवक में होना चाहिए,
भविष्य को लेकर जो सपने होने चाहिए वो सारे सपने भी देखें और उसे हासिल करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए, सकारात्मक प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, वे पूरी तरह पर डिपेंडेंट हैं सरकारी नौकरियों के इर्द गिर्द, जबकि सरकारी नौकरियां मात्र 3 से 4% हैं, बाकी संसाधन तो निजी क्षेत्रों में हैं। निजी क्षेत्रों में जगह वही पाएगा जिसके पास ऊर्जा होगी, क्षमता होगी, अपने को वो स्किल्ड करेगा, उसके लिए तैयार करेगा। ग्लोबल दुनिया है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा कि हम किसी अयोग्य और अक्षम व्यक्ति को उस जगह पर लाएं। वह सरकार ही है जो आरक्षण के जरिए उन्हें स्थापित कर रही है, लेकिन निजी क्षेत्र की चुनौतियां ये हैं। तो चाहिए ये कि आरक्षण की वैशाखी पर नहीं, वरन उनमें वह बौद्धिक क्षमता और शैक्षणिक क्षमता विकसित करके सामान्य प्रतियोगिताओं के जरिए निजी क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहिए, यह होना चाहिए। दूसरी बात ये कि आरक्षण में किसी आम तौर पर आरोप ये लगाया जाता है कि जहाँ जनरल कास्ट का कटअप मार्क 100 है, वहीं एससी एसटी का कटअप मार्क 44-45 आता है। अगर इनमें वह बौद्धिक प्रतिस्पर्धा इसी कम्युनिटी में बढ़ी होती तो कम से कम आज इसे बढ़कर 70 और 80 तो जाना ही चाहिए था। आपस में भी इनकी प्रतियोगिता इतनी बढ़ नहीं पाई, इसका कारण क्या है? कारण ये है कि पिछले 70 साल में इनके भीतर से एक नया क्रीमी लेयर तैयार हो गया है, दलित समुदाय के बीच से एक ऐसा 20% लोगों का क्रीमी लेयर तैयार हो गया है जो उनके लिए उपलब्ध समस्त अवसरों और संसाधनों पर कब्जा किए बैठा है। उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके पास वो सब कुछ मौजूद है जो उसके लिए वह लाभ नीचे तक, उस बच्चे तक, गांव के उस गरीब और अल्प पढ़े, कम पढ़े, छिन्न भिन्न अवस्था में जी रहे उन बच्चों के पास नहीं पहुंच रहा है जिनको इसकी ज्यादा जरूरत है। तो दुर्भाग्य ये है, लीडर वही है 10% लोग, और ये 80% लोग हाशिए पर आज भी हैं। डॉक्टर साहब, इन 70 सालों में जो इन्हें आरक्षण दिया गया ताकि वो सामाजिक रूप से एक बराबरी का दर्जा समाज में पा सकें, तो आरक्षण कहीं नीति से ज्यादा राजनीति हो गई, पॉलिसी से ज्यादा कहीं पॉलिटिक्स हो गई। साथ ही आपने जो बताया कि 10% पर कब्जा है, वो जो कास्ट था वो क्लास में तब्दील हो गया। हमारे शहर में ही अंबेडकर जी के नाम पे 4 हॉस्टल्स हैं, लेकिन मैंने उसमें कभी ऐसा नहीं देखा कि उनके वर्ग से जो बड़े बड़े अधिकारी हो गए हैं वो सिवान के ही हैं, वो कभी भी उन्हें पढ़ाते हों, उन्हें कभी बताते हों। तो क्या ये एक ऐसा माना जाए कि ये जो कास्ट है वो क्लास में तब्दील हो गया और जो इनके लिए आरक्षण थी वो एक राजनीति में बदल गई और उसका लाभ कहीं ना कहीं कुछ लोग ही उठा रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, यह एक सहज मानवीय प्रवृत्ति है और सभी जातियों में, सभी व्यक्तियों में मौजूद है कि जब हम ऊपर चढ़ लेते हैं, 2 सीढ़ी आगे हो जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि यह हमारे लिए इतना मुफज रहे सीढ़ियाँ कि हम अपनी पीढ़ियों को इन सीढ़ियों से आगे निकाल सकें। होता यही है, ब्राह्मण भी आगे बढ़ता है तो वो चाहता है कि हमारी सेवा में
दस पांच लोग हमेशा लगे रहे। एक राजपूत भी जिसको आप अभिजात वर्ग में शामिल करते हैं, एक ब्राह्मण भी जो अभिजात, तो यह मानवीय प्रवृत्ति है। अपने ही कास्ट, अपने ही कम्युनिटी, अपने समुदाय, अपने पड़ोस के लोगों को वह चाहता है कि हमारी सेवा में वे मौजूद रहें, और इसलिए रहें। जब वो दमित हैं, दलित हैं, शोषित हैं, तो हमारी प्रभुता उन पर कायम है। जब वे स्वतः स्वावलंबी होंगे, सशक्त होंगे, तो हमारा प्रभाव और प्रभामंडल रह नहीं पाएगा। इसलिए वे नहीं चाहते हैं, ईमानदार कोशिश उनकी ओर से नहीं हुई है। ठीक है, दूसरे लोग जाते हैं तो वो उनको कह सकते हैं आपकी ये राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आप तो जाओ, उन गांवों में जाओ, उन बच्चों के बीच जाओ, उन पढ़े लिखे नौजवानों को जाओ जिनको आपने हॉस्टल में कहा, वे हॉस्टल में इकट्ठे हैं, लेकिन पढ़ने का वैसा माहौल आप नहीं दिख रहा है। जो एक स्पर्धा, जो प्रतियोगिता, गलाकाट प्रतियोगिता दिख रही है, जो 18-18 घंटे, 15-15 घंटे, 16-16 घंटे दिनों रात पढ़ने वाले बच्चे हैं, इस तरह की प्रतियोगिता की भावना उनमें हम का अभाव पाते हैं। दुर्भाग्य यह है, जबकि उनमें कहीं ज्यादा ऊर्जा, और इसका एक कारण नकारात्मक सोच भी है। हम कुंठा में जिए, हम प्रतिशोध में जिए, और तरह तरह की कहानियां उनके लिए नेताओं ने सृजित कर रखा है। इतिहास के इन सड़े गले पन्नों को पलटने और उससे बदबूदार तथ्यों को निकालकर लोगों के बीच वैमनस्य पैदा करने का औचित्य कुछ है नहीं। विकास का ये रास्ता नहीं है। विकास का रास्ता सिर्फ स्वाध्याय है, सिर्फ अध्ययन है, सिर्फ कौशल विकास है, बुद्धि और क्षमता का विकास है। दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है, और इसका कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। आप सड़कों पर उतरोगे, गाली बकोगे, प्रतिक्रिया करोगे, तो ये मूर्खों का जमात, मूर्खों का समाज ऐसा हमने बना लिया। ये सभी जातियों, सभी धर्मों और सभी लोगों में इसी तरह की गुस्सा और इसी तरह की प्रतिक्रिया, एक देश में नकारात्मक वातावरण का निर्माण हो रहा है। यह एंटी डेवलपमेंट है। दुख है इस बात का कि हम आज तक देश में ऐसा वातावरण नहीं बना सके जो एक विकासोन्मुख वातावरण हो और विकास की ओर चलने के लिए जगाए और उस तरह की प्रतिस्पर्धा हो। डॉक्टर साहब, एक अंतिम प्रश्न। आज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है, बाबा साहब का वह कौन सा ऐसा विचार होना चाहिए जिससे हमारा समरस समाज आगे बढ़ सके? उन्होंने तो बहुत साफ साफ शब्दों में कहा है, न उन्हें धर्म की विकृतियों को उन्होंने जिस गहराई से समझा था उसकी व्याख्या भी उन्होंने की थी। अगर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था तो वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उनका यह निर्णय था। तात्पर्य ये कि जीवन भर जो उन्होंने अनुभव किया, जो उन्होंने समझा, सीखा, पढ़ा, महसूस किया, उसका एक रिजल्टेंट था बौद्ध धर्म में जाना। बौद्ध धर्म वैदिक युग के सामाजिक कुरीतियों के रूप में पैदा हुई एक क्रांति थी, हिंसा के विरुद्ध, कर्मकांड के विरुद्ध, तरह तरह के प्रपंच और इंद्रजाल जो धर्म ने खड़े किए हैं लोगों को बांधने के लिए, उसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। हर युग में ऐसी प्रतिक्रियाएं उभर कर सामने आई हैं। देखिए, चूंकि हिंदू धर्म सहस्त्रों वर्षों की विकास यात्रा में हमें दिख रहा है कि वैसे पेड़ की तरह बरगद का एक पेड़, जिसकी जड़ें जहाँ थीं आज वहाँ उसकी जड़ें नहीं हैं, उसकी शाखाएं फैल गई हैं, नित नए जड़ आप तलाश नहीं सकते हैं कि एक बरगद का मूल जड़ कहाँ होना चाहिए।
तो आप वेदों में खोजोगे, आप स्मृतियों पुराणों में खोजोगे, उपनिषदों में खोजोगे, जैन धर्म में खोजोगे, बौद्ध धर्म में खोजोगे, या गांधी और अंबेडकर में भी खोजोगे। ये सब क्या है? समकालीन परिस्थितियों में उत्पन्न हुए ये अलग अलग विस्तार हैं, उसी जड़ से, उसी परंपरा से अनुसूत हैं ये सारी चीजें। किसी को अलग करके नहीं दिया जा सकता, एक की क्रिया और एक की प्रतिक्रिया सामने है और इसी से सतत निरंतरता बनी हुई है इस समाज की, संस्कृति की, कि जब कुछ भी बदलना होता है तो उसी के भीतर से बदलाव की चेतना भी जागृत होती है। अंबेडकर भी उसी चेतना की एक प्रतिमूर्ति थी। मैं नमन करता हूँ, आज उनका जन्मदिन है और सहस्त्रों वर्षों तक भारत के इतिहास में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में उसी तरह रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाएगा कि सामाजिक बदलाव के सबसे बड़े क्रांतिदूत, अग्रदूत और सदियों के दबित, वंचित, शोषित समाज के लिए एक मुखर और संघर्षशील योद्धा के रूप में आए और उन्होंने बदलाव का एक नया अध्याय आरंभ किया। आज वह स्वीकार्य है पूरे देश, दुनिया और समाज के लिए। देश उपकृत है उनके इस कार्य और कृत्य से और आने वाले दिनों में भी रहेगा। जैसा कि आप डॉक्टर साहब से अंबेडकर के बारे में काफी बातों को जाना समझा, आज उनका जन्म दिवस है। श्री नारद मीडिया .com उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। साथ ही हमारे स्टूडियो में डॉक्टर साहब आए, उनके जीवन पर प्रकाश डाला, नए वर्तमान घटना चक्र पर भी प्रकाश डाला, इसके लिए उनका धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।